प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र के छठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 36,70,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 124,45,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में यानी सोमवार के दिन में 16,33,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने पांचवे दिन में यानी मंगलवार के दिन में लगभग 11,27,00,000 का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 152,05,00,000 हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 181,30,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 98,85,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 280,15,00,000 हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के छठवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने छठवें दिन में इंडिया में लगभग 9 से 11 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, भले ही ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है लेकिन साथ में इस फिल्म को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस फिल्म में VFX के नाम पर रंग बिरंगा डिस्को लाइट दिखाया गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि 2004 में आई चिरंजीवी की साउथ फिल्म दिलेर में ब्रह्मास्त्र से भी अच्छे VFX थे। पब्लिक लगातार मेकर से ये पूछ रही है कि 400 करोड़ कहाँ खर्च किए। RRR को हॉलीवुड वालों ने भी काफी पसंद किया जबकि ब्रह्मास्त्र को भारत में ही ट्रोल किया जा रहा है। पब्लिक का कहना है कि बॉलीवुड वालों को बिग बजट वाली फिल्में कैसे बनाना है ये साउथ वालों से सीखना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको ब्रह्मास्त्र फिल्म में क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।